तो दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में ट्रेन में सफर तो जरूर से किया होगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बट अगर हम देखें पिछले 3-4 महीनों से हमारे भारतीय रेलवे में जो एक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सी गई हैं। अगर हम बात करें इसी साल जून की, तो वहाँ पर कोरोमंडल हादसा हुआ था। एक महीना पहले ही बिहार में रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल हुई थी, और हाल ही में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बॉर्डर में दो पैसेंजर ट्रेन रियर टू फेस कोलाइड कर गई। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है भारतीय रेलवे में कि इतने हादसे जो हैं वो बढ़ से गए हैं? काफ़ी सारे इनफैक्ट क्लोज कॉल्स भी आए हैं जहां पर हादसे बस होते होते बच गए हैं या टले हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है इन सब के पीछे वजह। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिहार में हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिरेलमेंट से। अगर आप लोगों को कोरोमंडल एक्सप्रेस के हादसे के पीछे का वजह जानना है, तो मैंने उसका भी छोटा सा वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल में, जाकर आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों, 11 अक्टूबर को बिहार के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल कर गई थी और इसमें 6 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि यहाँ पे ट्रैक डिफेक्ट मेन कॉज था, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेन लाइन थी या जो पटरी थी उसमें कुछ बनावटी खामी थी या उसमें रखरखाव में कोई चूक हुई थी, जिसके कारण से यहाँ पे वो ट्रेन डिरेल हुई थी। तो दोस्तों, 29 अक्टूबर को विशाखापट्टनम रायगढ़ एक्सप्रेस विशाखापट्टनम पलासा एक्सप्रेस को पीछे से ठोक देती है, जिसके कारण इस हादसे में 14 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन से उसमें साफ बताया गया है कि कंटकापल्ली और अमंडा स्टेशन के बीच उस दिन सिग्नल फेल हो गया था और सिग्नल फेलियर प्रोसीजर फॉलो किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये हादसा सिग्नल फेलियर प्रोसीजर का सही से न फॉलो किए जाने से हुआ है। स्टेशन मास्टर का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से सारे प्रोसेस फॉलो किए थे, बट चूंकि विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर के लोको पायलट का देहांत हो गया है, तो हमें ये नहीं पता कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस कितने सही से और कहां तक उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। तो इन सब बातों से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि भारतीय रेलवे ने अपने जो उपकरण हैं, चाहे वो ट्रैक के हों चाहे वो सिग्नल के हों, उनके रखरखाव ठीक से नहीं कर रहा है, जिनके कारण हमें ये सब हादसे देखने को मिल रहे हैं। और यह बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, यह बात खुद CAG की रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय रेलवे को जितना पैसा ट्रैक के रखरखाव में खर्च करना चाहिए उन्होंने उतना खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि सेफ्टी ऑपरेशंस के लिए जितने पदों की नियुक्ति होनी चाहिए वह भी उन्होंने ठीक से नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज आर कटिंग कॉर्नर्स ऑन पैसेंजर सेफ्टी, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और भारतीय रेलवे को इस मामले में और इंक्वायरी करनी चाहिए और उन्हें अपना जो नज़रिया है सेफ्टी के बारे में उसे चेंज करना चाहिए, उन्हें इन सब में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। एंड आई गिव माई सिंसियर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड एंड डियर वंस इन दीज रेलवे एक्सीडेंट्स।